माननीय वेंकैया जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय वेंकैया जी का कृपया स्वागत कर। आप सबके तरफ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं खुद स्वागत कर रहा हूं। हमारे हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय माननीय आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी और देश के वित्त और रक्षा मंत्री माननीय अरुण जेटली जी, माननीय सुषमा जी, माननीय गडकरी साहब और हमारे एनडीए के सभी नेता और एनडीए के सभी सांसद भी आज के इस बैठक में उपस्थित है, उन सब का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज माननीय वेंकैया जी के पिछले 40 सालों के 4 दशकों के उनका जो उद्बोधन रहा और पूरा देश भर में जैसे वहां स्क्रीन पर है टायरलेस वॉइस एंड रिलेंटलेस जर्नी, एक ही दिन में 3-3 जगह होते हुए वहां कार्यक्रम करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और जैसे उन्होंने अपना पत्रकारों से भी कहा, उनको पूछा गया आप उपराष्ट्रपति बनेंगे क्या ऐसे, उन्होंने कहा अभी हाल में मैं उषापति हूं, उषा मेरे भाभी जी का नाम है, तो उपराष्ट्रपति जी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हम सबके नेता माननीय नरेंद्र भाई ने सोचा उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे बढ़िया नाम, सबसे योग्य नाम यानी माननीय वेंकैया नायडू जी का। और वेंकैया जी का और एक विशेषता हम सब जानते हैं, उनके पार्लियामेंट्री करियर के बारे में और उन्होंने जैसे युवा संघर्ष किया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, महामंत्री के नाते उन्होंने दक्षिण में और पूरा देश में पार्टी का विस्तार किया, ये सभी हमारे नेता और एनडीए नेता आप सबके सामने रखने वाले हैं। लेकिन माननीय वेंकैया जी का कुटुंब भी यानी पन एंड अलिट्रेशन जिसको कहते हैं, यूर डेडलाइन कैन नॉट बी माई हेडलाइन यानी पत्रकारों को कहते हैं। ऐसे ही जब यूपीए सरकार में थी वो कहते थे वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड सिचुएशन ऑकवर्ड, ये सारे वेंकैया जी का स्पेशलिटी है। माननीय वेंकैया जी के जो भाषण है उसका 2 किताब आज माननीय प्रधानमंत्री जी विमोचन करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह को, माननीय वेंकैया जी को और माननीय अरुण जी को मैं निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और उस किताबों का लोकार्पण करें। Continue.
जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय वेंकैया जी के समर्थन में वरिष्ठ नेता और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय रामविलास जी को मैं निवेदन करता हूं, वो हमको संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, कल इस समय में राष्ट्रपति हो गए होंगे आदरणीय वेंकैया नायडू का, आदरणीय अडवाणी सर, आदरणीय बीबी मनोहर जोशी जी, अरुण जेटली सर, सुषमा स्वराज जी, हमारे साथी गडकरी सर, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर तो हैं और यहाँ पर सभी एनडीए के नेतागण साथी हैं। आज हमें इस बात का गर्व भी है, भाई जी को खड़ी है क्योंकि वेंकैया नायडू साहब हम मिलकर भी दिए हैं, इतना भूल करके नहीं रहेंगे और जाकर के जो है राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का काम करेंगे। और जैसा कि अनंत कुमार जी ने कहा कि उनसे व्यस्त उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता, हर चीज पार्लियामेंटेरियन के हैसियत से कहेंगे, एज ए व्यक्ति के हैसियत से कहेंगे, मार्गदर्शक के रूप में कहेंगे, तो हम लोगों को खाते के मुझको कभी कभी लगता है कि जब हम लोग बैठे थे कुछ विषय आता था तो हमको लगता था कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात क्या है, किससे पूछूं, तो सोचते थे वेंकैया नायडू जी से पूछूं, हो सकता है कि उनको जानकारी मिले, अखड़ेगा। लेकिन जिस पद पर जा रहे हैं और खास करके राज्यसभा का मामला है, राज्यसभा को चलाना बहुत कठिन काम होता है और उन लोगों को पूरा का पूरा विश्वास है कि राज्यसभा का संचालन न सिर्फ ढंग से करेंगे बल्कि अभूतपूर्व ढंग से करेंगे। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात होगी कि आसन पर जो है वेंकैया नायडू साहब रहेंगे और यहाँ नीचे में मोर्चा संभालने के लिए अमित शाह जी रहेंगे। तो इसलिए वेंकैया नायडू साहब की कहने की नहीं है, शुरू से ही स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने विद्यार्थी जीवन को शुरू किया, कॉलेज के रहे, यूनिवर्सिटी के रहे, स्टूडेंट के रहे, उसके बाद जो है विधायक रहे, सांसद के रूप में सांसद के रूप में लड़े। और हमको याद है उस समय में हमको बीजेपी ने दिया था, स्पेशली कहा था और मालूम है उस समय में जयप्रकाश जी ने खासतौर से इससे कहा था कि नहीं, आपको जो है लोकसभा का चुनाव जो है लड़ना है, उसके बाद सीट पर सीढ़ी करते गए, स्टेट के प्रेसिडेंट बने, युवा के प्रेसिडेंट बने, फिर स्टेट के प्रेसिडेंट बने, फिर नेशनल प्रेसिडेंट बने। 2002 में हम लोग साथ में एनडीए में काम किए और उनको याद है कि जब उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला था तो उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय का रूरल डेवलपमेंट का जांच है बहुत हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये
वो इनका दिया हुआ पर्सनली देन देन है। एक समय में ऐसा मामला आया था कि जो कैबिनेट में थे या बाहर करने की बात नहीं कर सकते हैं दुनिया, तो उस समय उनको याद रहेगा उसमें उसको अटेंड हुआ था, मायूस हो गए थे, लेकिन बाद में जो उसको कर दिया गया। तो मतलब एक जमीन से उठ करके साधारण परिवार से उठ करके एक बैकवर्ड क्लासेस से उठ करके और आज देश के जो है उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो हम लोग सांसदों की ओर से, एनडीए की ओर से, हम सब लोगों की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके नेतृत्व में। एक गुण नहीं, प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा था सैकड़ों गुण हैं, और मोदी ने मोदी मतलब प्रधानमंत्री जी का जो अनुशासन स्वाभाविक है कि जहाँ से आए हैं वहाँ कोई अहंकार नाम का चीज नहीं, कोई फाइव स्टार कल्चर नहीं, और बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के अनुशासनबद्ध होकर के, क्योंकि किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता है। जब प्रधानमंत्री जी को हम लोग देखते हैं और कह देते हैं, उस दिन उन्होंने कह दिया कि ऑफिस में बैठना है, हिम्मत ही नहीं, कल ताला हम लोगों ने बंद कर दिया, ऑफिस में कह देते हैं कि हाँ पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, हर दिन बैठे रहते हैं। एम पी लोगों को भी देखते हैं कि सारे के सारे लोग, क्योंकि जब अपने हर दिन बैठते हैं यहाँ, तो इसलिए मैंने कहा देश की गरिमा से लेकर के सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की साख बनी है और जो देश की साख बनी है। देखिए देश का प्रधानमंत्री तो बहुत होते हैं, बहुत होंग जाएंगे, लेकिन देश का नेता बहुत कम होता है, राष्ट्रनायक बहुत कम होता है। ये देश के नेता हैं और आगे आने वाले समय में राष्ट्रनायक रहेंगे, और इतना बढ़िया जो है जिस तरीके से इनका देन रहा है, बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार मुक्त। और हमको याद है कि जब शुरू में आए थे हम लोगों को भी लग रहा था कि अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त सरकार हो जाए, हो गया कांग्रेस मुक्त सरकार। हमने उस दिन पार्लियामेंट में जो है मॉब लिंचिंग के समय में हमने एक बात कही थी कि आदमी दो समय में लड़ रहा है, एक बचपन में एक बुढ़ापा में। बचपन की लड़खड़ाहट इस बात का द्योतक है कि कल वो दौड़ेगा, और बुढ़ापा की लड़खड़ाहट इस बात का द्योतक है कि कब गांव में जाएगा। कांग्रेस कब गांव में जा रही है, चली गई है। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अभी हमारे साथी ने अनंत कुमार जी ने कहा वेंकैया नायडू जी के संबंध में, हमको एक बात याद है, प्रधानमंत्री जी धैर्य से हर बात को सुनते हैं, बहुत क्या कहते हैं कि जो है इंटरफेरेंस इनका बहुत ही कम होता है, बहुत लोगों को मालूम है प्रधानमंत्री बहुत कुछ नहीं। एक दिन जो है इसी तरह हम लोग बैठे हुए थे, तो द्वारा प्रधानमंत्री जी जो है महाराज जी जब करते हल्ला गए, तो प्रधानमंत्री जी आप कहते थक गए आप, लेकिन फिर भी आप मुझे समझते हैं। मैं के आर नायडू जी बगल में बैठे हुए थे, कहा कि आपने दिक्कत तो ये है कि आप थकते नहीं हैं। तो उसके बाद हम सब लोग पहुँची जा गए, इसलिए वेंकैया नायडू साहब को हम लोग जा रहे हैं भावपूर्ण विदाई करते हैं, दल से भले विदाई कर रहे हों, दिल से विदाई नहीं कर रहे हैं। आपका प्यार आशीर्वाद जो हम लोगों को मिलता रहा है वो हमेशा मिलता रहेगा, और अब तो एनडीए बढ़ गया, पिछली बार हम लोग 16 तारीख को मिले थे और आज जो है मिल रहे हैं 4 तारीख को, इसी बीच में बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, दिन के बाद जो है तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बन जाएगी, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है एनडीए का कुंबा जो है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। और आज देश का राष्ट्रपति एनडीए का, उपराष्ट्रपति एनडीए का, लोकसभा का स्पीकर एनडीए का, प्रधानमंत्री जी तो है ही, उनका सब करिश्मा है, इसलिए हम अपने सब लोगों की तरफ से आपको भावभीनी जो है विदाई देते हैं। आप कहते हैं स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें, यही हम लोग की शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों समय कम है, मैं टीडीपी के टोटा नरसिम्हन जी से निवेदन करता हूँ, वो संक्षेप में अपना समर्थन करते हैं।
Of NDA is a dedicated leader. Venkaiah ji is born in the family which belongs to cultivation at Chavatapalem in the Nellore district of Andhra Pradesh, state on July 1st, 1949. Belonging to the middle class family, he could emphasize with the problems of the common man, especially the farmers and the people of backward classes. Since childhood, he was interested in politics. He is the inspiration for many first-timers in the temple of democracy called Parliament. Being a fourth-term Rajya Sabha member of Parliament, everyone would agree to have learned from his rich experience and conducted in either houses of Parliament under BJP regime, and particularly under the dynamic leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Venkaiah Garu has won all-around accolades for his shift departmentally. A tweet on Venkaiah Garu by our Honorable Prime Minister Modi ji, which says, "A farmer's son, Venkaiah Naidu Garu, brings years of experience in public life and is admired across the political spectrum, speaks volumes of his role and stature, irrespective of party lines. The other day, I was going through Aluperagani Galam, that is tireless voice, authored by Sri Venkaiah Garu, which is a compilation of his speeches and a guide for those who want to get into politics. It gives a deep insight of his perception of varied subjects. He was also instrumental in helping BJP form alliance with the Telugu Desam Party, a strong regional party. During the discussions held about bifurcation of Andhra Pradesh in Rajya Sabha, Sri Venkaiah Naidu Garu fought for Semandra's population. Venkaiah Naidu Garu is also helped a lot to the state of Andhra Pradesh to emerge out of its post-bifurcation trauma. Now I request all dignitaries to kindly allow me to speak in Telugu, which is our mother tongue, myself and Sri Venkaiah Garu. Sri Venkaiah Naidu Garu yokka jeevita charitra teesukunte ayana oka charitraku sambandhinchina vyaktiga ee roju Andhra Pradesh lo mari mukhyanga Telugu maatladetuvanti evaraithe unnaro Telangana gaani Andhra Pradesh lo gaani యావత్ ప్రపంచంలో కూడా శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారి గురించి తెలియని వారు ఎవరో లేరంటే నిజంగా అశ్చర్యం. ఎందువల్లంటే శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారి యొక్క సమయ స్ఫూర్తి, ఆయన మాట్లాడేటువంటి విధానం, మరి ముఖ్యంగా ఆయన ప్రాస, ఆయన చెప్పేటువంటి మరి అపోజిషన్ పార్టీ వారిని ధీటుగా ఎదుర్కొనేటువంటి విధానం, ఆ రకంగా ఈరోజు మరి ముఖ్యంగా మేము చదువుకునే రోజుల్లో కూడా శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు మరి ఆయన అనేక రకాల ఉద్యమాలు, అనేక రకాలైనటువంటి ఉద్యమాలు, జయాంధ్ర మూమెంట్ కానీ, విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమం కానీ, అనేక రకాల ఉద్యమాలు చేసి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారి గురించి తెలియనటువంటి వారు ఎవరు కూడా ఉండరని మనం చెప్పుకోవాలి. ఎంచేదంటే మరి ముఖ్యంగా శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి బైఫర్కేషన్, మరి అప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా రాష్ట్రాన్ని విభజించిన తర్వాత శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రకాల అన్ని విధాలు కూడా అభివృద్ధి చేస్తానని శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి భరోసా ఇచ్చి ఈ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అనేక రకాలైనటువంటి నిధులు విధులు తీసుకురావడం, అనేక రకాల ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవ్వడం, ఆ రకంగా శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారి యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి విషయంలో
మరి తనదైనటువంటి ముద్ర వేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు. ఈరోజు భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికవుతూ ఉన్నారు. ఆయన భారత ఉపరాష్ట్రపతి అవుతూ ఉన్నారంటే ఈ భారతదేశానికి ఉపరాష్ట్రపతి కాకుండా ఈరోజు తెలుగు వారి యొక్క గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు. అటువంటి వ్యక్తికి ఈరోజు గౌరవ ప్రధానమంత్రిగా శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు, అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ అమిత్ షా గారు కూడా ఈరోజు సరైనటువంటి వ్యక్తికి ఈ దేశాన్ని పరిపాలించేటువంటి సత్తా ఉన్న నాయకులుగా ఒకరుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారిని భారతదేశ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎంపిక చేసినందుకు తెలుగు ప్రజల తరపున, మరి ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజెప్తూ సెలవు తీసుకున్నా. జై హింద్. హమారే శివసేనాకే నేత మాన్య ఆనందరావు అడ్సూల్జీ ఓ మాన్య వెంకయ్యజీ కో సమర్థన్ కరే కృపయా అయ్యే అడ్సూల్ సాబ్. పరమాదరణీయ ప్రధానమంత్రిజీ, ఆదరణీయ అమిత్ షాజీ, శ్రద్ధే అడ్వాణీజీ, మురళి మనోహర్ జోషిజీ, ఆర్ ఉపరాష్ట్రపతికే హారే సభకే ప్యారే ఉమ్మీద్వార్ వెంకయ్య నాయుడుజీ, సభీ మంత్రిగణ్, ఇండియా ఆర్ సహయోగి దళకే సభీ నేతాగణ్, భాయి ఆర్ బహనో, ఆజ్ తక్ హమ్ ఆకాశవాణి పే ప్రధానమంత్రి జీకి మన్ కీ బాత్ సునతే ఆయే, లేకిన్ ప్రధానమంత్రి భీ హమారీ మన్ కీ బాత్ సునతే హై. యే అనుభవ్ హమారా జబ్ ఈ ఆదరణీయ వెంకయ్యజీ నాయుడు కా నామ్ ఆయా వో హమ్నే అనుభవ్ లియా. సహీ మనే మే గే తీన్ సాల్ కా పరిచయ హై, లేకిన్ హరేక్ కే దిల్ మే ఐసే బైఠే హై కి బహుత్ పురానా సంబంధ్ హై ఐసా లగ్తా హై. एक जब ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और यहाँ आज विमोचन हुआ, टायरलेस वॉइस अनुभव हमने ये लिया, जो पार्लियामेंट हम सब लोग जितना बोलते थे वो अकेले वेंकैया जी बोलते, इसलिए टायरलेस वॉइस बिल्कुल फिट बैठता है. और एक प्रसंग मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देश में अभी तक संविधान दिन कभी मनाया नहीं था, लेकिन आदरणीय वेंकैया जी नायडू और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया और 26 नवंबर 2016 में शीतकालीन सत्र ही वहाँ से शुरू हुआ. तो चर्चा के दौरान हम जी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया. बाकी बातें अलग हैं. जब मेरा नंबर आया तो मैंने बताया कि आपने ये उल्लेख किया कि अम्बेडकर जी को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया, अगर उन्होंने संविधान में बहुत योगदान दिया है, एक दलित नेता होते हुए भी उन्होंने दुनिया के सामने दिखा दिया एक अच्छा संविधान हम बना सकते हैं. और जब पहला चुनाव हुआ और 1950 की बात है, अम्बेडकर जी हमारे मुंबई के दादर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े थे, उनके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं देना चाहिए, अगर दलित प्रेम है, अंबेडकर जी को अगर मानते हैं, तो आपने उम्मीदवार भी दिया और उनको चुन के भी लाया. यहाँ तक नहीं, 1952 में भंडारा का इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ भी कांग्रेस ने बोरकर जी को उम्मीदवारी दी और खुद नेहरू जी वहाँ प्रचार के लिए गए थे. उनके ये दलित प्रेम, ये दलित वोट बनाने का प्रयास कांग्रेस ने आज तक किया. और इसलिए अभी उल्लेख किया गया कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये नीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ये हमने अनुभव लिया.
और दलित प्रेम ये अभी दिखाई दिया हमारे मोदी जी के तरफ से, जब ये एक दलित नेता जिसको ये देश का अत्युच्च पद राष्ट्रपति पद पे बिठाया। उस दिन भी मैंने बताया था कि नतीजा आया है, खाली फॉर्मेलिटी बाकी है। आज तो शायद ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, खुद के आपके भी वोट अलग होंगे जो विपक्ष में बैठे उनके। आज राष्ट्रपति पद के लिए शायद 65 से ऊपर थोड़े परसेंटेज मिला था, आज उसमें 1-2% तो कम से कम ज़्यादा मिलेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको शुभकामना देते हुए मेरा शिवसेना पार्टी के तरफ से पूरा पूरा तहे दिल से समर्थन देता हूँ। जय। हमारे साथी पार्टी पीडीपी के नेता मुजफ्फर बेग साहब से गुजारिश है, वो हम सबको संबोधित करें। हमारे देश के मोहतरम और नहायत ही मकबूल वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पहलवान, सबसे बड़े लीडर अमित शाह जी, अडवाणी साहब, जोशी साहब, तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स और मेरी बहनों भाइयों जो हम सब मेंबर हैं, is a matter of great privilege for me to be called upon to speak on this occasion. I don't know Sherry Dado very, very well, but I'll tell you something, that in Kashmiri language, if you read this, Venkya Naido, you know what it means, what it will convey? What to say, it will be a new dawn. That's what it will mean in Kashmiri language. It will be a new day. I congratulate Prime Minister and his advisors that they have combined Ganga and Jamuna. Both come from the same Himalayas. Our president and our new vice president, ye hamari Ganga aur Jamuna ki tehzeeb ki ek behtareen namood honge. I have heard from people who know you well that you are a great manager of human differences and human oddities. And I think that under your sterling leadership, Rajya Sabha will open a golden chapter in the history of our revolution, our political evolution. Aapke aane se pehle यहाँ पे एक मौसीकी का प्रोग्राम था, एक बहन ने यहाँ मौसीकी का, अभी मोदी साहब कहेंगे इसकी कितनी बहनें हैं, 4 हैं, 5वीं भी मान लीजिए उन्होंने अपनी मौसीकी से बनारस की सुबह की खुशबू, औंध की शाम की रंगीनी दिखाई हमें। और मैंने देखा हम कितने झूम रहे थे, बदकिस्मती से उस वक्त आप तशरीफ नहीं लाए थे। मैं ये समझता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो शेर कहा है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स बट देयर इज समथिंग दैट डज नॉट लव ए बॉल। हिंदू मुस्लिम सिख कश्मीर सिकम जैन बौद्ध ये जात वो बात, दे मेक गुड फेंसेस बट देयर इज समथिंग जो इंसानियत है हमारे अंदर, इट डजंट लव ए बॉल। एक माँ के कई बच्चे हैं, हमारी माँ एक, मेरा एक नाम है, किसी का दूसरा नाम है, किसी का एक रंग है, लेकिन हमारी भारत माता जो है शी लव्स अस ऑल। उसके वो आपने किसी बच्चे में तमीज नहीं करते। और भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, जीसस क्राइस्ट का, जिसका भी शुक्रिया अदा करें, गौतम बुद्ध का, जैन का, जो भी हमारे
इस पवित्र देश में पवित्र पैगाम लेकर आए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान की तारीख में 50-60 साल की आज़ादी के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और उस नए दौर की क़यादत करने के लिए और शमा जलाने के लिए उन्होंने मोदी साहब को चुना है। इट्स गॉड्स चॉइस। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह गांधी साहब का नाम, महात्मा गांधी का नाम, जिन्हें मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मिलेनियम करार दिया गया, 1000 साल का सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा इंसान, आइंस्टाइन, न्यूटन पैदा हुए, नेपोलियन आए, लिंकन जैसे आदमी आए, इसी तरह अगर हम सब मिलजुल कर मोदी साहब का हाथ बिठाएं, ही विल बी मैन ऑफ द नेक्स्ट मिलेनियम। मैं यही दुआ करूंगा कि हमारे दिलों में ये जो छोटी छोटी दीवारें हैं, आप लोगों की लीडरशिप पे, क़यादत पे ये दीवारें मिट जाएं और हम ये एहसास करें कि हम एक भारत माता के हैं। हिंदी में मैं इसे कहूँगा, मेरा वतन जिंदाबाद, कोई कहेगा भारत माता जिंदाबाद, लेकिन इस माँ के बच्चे अगर हम हैं तो हमें अपनी माँ को दिखाना चाहिए कि कल वो हम पे फख्र कर सके। मदरलैंड इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ अस। इस वक्त चारों तरफ बादल है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगले 10 और 15 साल में वी विल बी द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक बार फिर कहूंगा कि नायडू साहब, अब हम वॉल्यूम 4 का इंतजार कर रहे हैं। मोदी साहब ने आपको वॉल्यूम 4 तक पहुंचा दिया, और न जाने वो कहते हैं आप तो सितारों तक पहुंच गए, लेकिन सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। भादर आपका अपने भारत माता से जो इश्क है, अभी वो न जाने आपको क्या क्या इम्तिहानें होंगी और कितने और वॉल्यूम होंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। एक छोटी सी रियासत का एक मेंबर, इसको भी बोलने का मौका दिया जाए, इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी। मे ब्लेस, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड अबव ऑल मे गॉड ब्लेस मदर इंडिया। शुक्रिया बेग साहब। ईशान्य भारत से हमारे वहाँ के सभी पार्टियों के प्रतिनिधि हो करके हमारे पीडी राय साहब माननीय वेंकैया जी को समर्थन प्रकट करेंगे। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड अमित शाह जी, रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर्स, Council of Ministers and colleagues. First of all, let me say that I am privileged to speak a few words in support of Venkaiah Naidu ji. I can only say this, that over the years, he has not only inspired us, but also solved many of the problems that we face on a day-to-day basis. Venkaiah Naidu ji, we love you from the bottom of our heart, and on behalf of all the other parties who are present here today, we wish you all the very best, and we know that your relentless journey has just begun. And I would just like to make a mention of one more thing, because Big Sub has made a pitch for Mother India. And all that I can say is that we are facing, Madam Swaraj, we're facing a situation in Doklam. But I will tell you
that on behalf of all the people of Sikkim, there is neither fear nor any trepidation on the borders, and we will stand and protect our country, even if it means that we have to give our lives. With this, I wish Venkaiah Naiduji the very best, and thank you very much, Prime Minister, for giving us Venkaiah Naiduji. Thank you very much. We salute the brave people of Sikkim. We are all with you. हमारे बीच में हमारे नए राज्यसभा के सांसद मध्य प्रदेश के श्रीमती संपतिया यूके है. वो पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष रही. वो कृपया आ गया है. आइए संपतिया जी. और हमारे संपतिया जी आइए और तालियों के साथ हम स्वागत करें संपतिया जी का. हमारे गोवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय तेंदुलकर जी, यानी कल से राज्यसभा में दो तेंदुलकर हो गए. आइए तेंदुलकर साहब. शिरोमणि अकाली दल के नेता, नहीं बैठी, शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत जी हम सबको संबोधित करेंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, अडवाणी जी, समूह एनडीए के और हम सब के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार लोकप्रिय वेंकैया नायडू जी, मेरे से पहले सारों ने संबोधित करते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वेंकैया जी जिसके भी संबंध में आए हैं, जिसके भी कांटेक्ट में आए हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरह से उनको प्रभावित किया है. समबडी एज अ मेंटर, किसी को एक गाइड बन के, किसी को एक पिता बन के, किसी को एक फादर बन के. और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मैं भी इनके साथ पिछले 3 सालों से ही संबंध रख पाई हूँ. एक फर्स्ट टाइमर मंत्री जब मैं बनी तो पहले पिछले 15वीं लोकसभा में तो पहली बारी एमपी बनी थी तो बादल साहब का साया था मुझे गाइड करने के लिए. लेकिन दिल्ली में आके पहली बारी जब मंत्री बनी तो ऐसा कोई साया नहीं था, लेकिन एक पिता की तरह मुझे वेंकैया जी ने गाइड किया. अक्सर जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे तो मुझे उधर से इशारा करके बुलाते थे और फिर ऐसे बातें करके महसूस कराते थे कि मैं इसी परिवार का हिस्सा हूँ. और मेरे ख्याल से अपनी बहुत ही छोटी उम्र में जब इन्होंने अपने माताजी को खोने का दुख जो इन्होंने झेला, तो जहाँ पे औरतों के प्रति सत्कार और स्नेह इन पे हर एक इशारे पे झलकता है, पर इन्होंने उस बीजेपी को, अपनी पार्टी को अपनी माँ मान के, मैं समझती हूँ, ऐसे पुत्र की तरह सेवा करी. और जब उपराष्ट्रपति के लिए जब नियुक्त हुए और अपनी उस माँ पार्टी से प्राइमरी मेंबरशिप की जब इनको इस्तीफा देना पड़ा, तो ऐसी दुख और वेदना इनके अंदर वो देखने में आई जैसे एक बेटे को अपनी माँ से बिछड़ के होता है. तो एक किसान के बेटे, खुद भी एक किसान, आज हमारा देश नाज कर सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जहाँ एक दलित को राष्ट्रपति बनाया देश का, आज एक किसान का बेटा एक उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. तो वेंकैया जी, आप तो मीडिया के तो लाडले थे ही. आपकी जो वेंकैयाइज्म और आपका विट और आपका जो पकड़ है, वो तो उसने आपको मीडिया का भी लाडला बनाया, सुनने वालों ने भी आपकी तारीफ करी. और इस मौके पे ज़्यादा ना कहते हुए, आपका तो पॉलिटिकल बाइक तो कोई मैच कर नहीं सकता, लेकिन वेंकैया जी की बात हो और कुछ कोशिश ना की थी जाए, तो आप बुरा मानिए ना माने, तो मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश करूं, अर्ज़ करती हूं. अभी तक तो आप थे उषा के पति, नहीं अभी तक तो आप हैं उषा के पति. राज्यसभा में चाहिए है गति तो बना रहे हैं, 245 के बनने लगे आप सभापति. बधाई हो वेंकैया जी, उषा के पति हैं, सभापति भी बनेंगे, साथ में आप बनने लगे हैं 125 करोड़ के उपराष्ट्रपति.
तो अकाली दल की तरफ से, अपनी तरफ से, स्टार प्रकाश सिंह बादल की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट. ये रिलेंटलेस वॉइस, टायरलेस वॉइस, मे इट बी द ओनली वॉइस टू कीप क्वाइट इन दैट राज्यसभा द अननेसेसरी नॉइज. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ लॉन्ग जर्नी. वी वेट फॉर वॉल्यूम 4. थैंक यू सो मच. धन्यवाद हरसिमरत जी, आपने एक ही झटके में तीन पति बना दिया माननीय वेंकैया जी को. और मैं निवेदन करता हूँ माननीय वेंकैया जी के 40 साल के साथी, सहयोगी, भारत के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री माननीय अरुण जी, इस दो वॉल्यूम्स के बारे में और वेंकैया जी के बारे में अपना बात रखें. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वेंकैया जी, अडवाणी जी, जोशी जी और साथियों, आज का कार्यक्रम वैसे तो कल की वोट की तैयारी में था, लेकिन क्योंकि वेंकैया जी के भाषणों के संकलन का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो वेंकैया जी एक प्रकार आज के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बन गए हैं. और साथ साथ उनका एक ये बधाई समारोह भी हो गया है. वेंकैया जी की एक विशेष खासियत ये रही कि जो जो उनके साथी रहे हैं उनसे स्नेह तो करते हैं, उनको इंजॉय भी करते हैं. और वेंकैया जी के स्टाइल के बारे में शायद बीसियों बार घंटों घंटों हम चर्चा करके खुद भी आनंद लेते हैं. लेकिन इस सब में तीन चार चीजें अगर हम उनके भाषण पढ़ें, ये जो दो संकलन हैं इनके, इसमें उनके वो भाषण हैं प्रायः जो उन्होंने मंत्री बनने के बाद दिए. कल रात को जब मुझे मिले तो मुझे लगा लगभग 5 किलो दोनों का मिलाकर वजन था. लेकिन भाषण जो थे, वो जो अटसुल जी कह रहे थे लंबे, वैसे नहीं है इस पुस्तक में. भाषण एडिटेड हैं और छोटे हैं, लेकिन उनमें से उनकी संख्या इतनी अधिक है और हर भाषण के साथ लिखा हुआ है कि किस तारीख को दिया और कहां पे दिया, किस संदर्भ में दिया. कुछ संसद के हैं, कुछ बाहर के हैं. इससे पहले भी उनका जो पहला संकलन आया था वो उसके बाद आया था जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे और एक विपक्ष में रहते हुए जो प्रायः उनके भाषण थे अधिक उसमें वो थे. कुछ समय वो भी था जब वो अटल जी माननीय प्रधानमंत्री थे और वेंकैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस संदर्भ के भी थे. इसमें दो तीन चीजें उनके बारे में विशेष रही. मैं अर्ली 70s से उनसे परिचय है और नजदीकी परिचय रहा. वेंकैया जी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में और जेपी के आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे तो दिल्ली आते थे. उसके बाद इमरजेंसी में जेल में रहे पूरा समय. इमरजेंसी के बाद चुनाव लड़े, विधायक बने, आंध्र प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष रहे और पूरे राज्य में इनकी एक बड़ी पहचान तब बनी जब एनटीआर की सरकार को डिसमिस किया राजीव गांधी जी ने और इंदिरा गांधी ने और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उनके समर्थन में. और एक बहुत प्रभावी वक्ता के रूप में पूरे आंध्र प्रदेश में इनकी स्वीकृति बनी.
उस वक्त ये ज़्यादा तेलुगु में या अंग्रेजी में बोलते थे, लेकिन बाद में दक्षिण से आते हुए भी हिंदी भी बोलनी खूब सीख ली। तीनों भाषाओं में बोल देते हैं और कई भाषण तो ऐसे हैं जिसमें तीनों भाषाओं का प्रयोग कर देते हैं। ये इनकी, और उसके बाद दिल्ली महामंत्री बनकर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सांसद बने, मंत्री बने, फिर मंत्री से हटे। अभी तक इनके करियर का हम में से बहुत लोगों को ये याद नहीं होगा, शायद पहली पंक्ति वालों को भी कईयों को याद नहीं होगा, जो अगर एक सबसे हाई पॉइंट है, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जो पूरे देश में इतनी लोकप्रिय है हर सांसद के लिए, उसके जन्मदाता ये थे। कुछ समय के लिए जब ग्रामीण विकास मंत्री बने तो मुझे याद है कि कैबिनेट से पहले और बाद में बहुत चिंतित थे कि क्या करूं, ये एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ ना कुछ करते रहें कि जिससे कि गांव का विकास हो सके। और इस पूरी योजना, और उस वक्त पहले तो लोग इसलिए डिसमिस कर देते थे कि इतने साधन कहाँ हैं इसके लिए, और साधन नहीं है तो इसलिए ये कभी बन नहीं पाएगी। और इनके कार्यकाल में इन्होंने स्वयं प्रयास करके उसको लाए, कैबिनेट को, अटल जी को, पीएमओ को, सबको कन्विंस किया, उसको अप्रूव कराया और छोटे से कार्यकाल में उसको शुरू करवा दिया। वो इनके अभी तक के करियर का सबसे हाई पॉइंट है जिसका देश के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव आज भी पड़ता है। जिस काम को लेते हैं, और ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक सबक है कि केवल ये नहीं कि मुझे जिम्मेवारी मिली है, ये पूरी उसकी ओनरशिप ले लेते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी इनको मिल गई, आईएनबी देखो, अर्बन डेवलपमेंट के साथ। लेकिन दोनों सदन कैसे चल रहे हैं, एक से दूसरे में भागते रहना और पार्लियामेंट के दौरान पार्लियामेंट ठीक चले उसकी ओनरशिप लेना, जिसका अभी कहा गया कि खूब बाइट देते थे, कोई ऐसा सरकार का आलोचना ना हो जिसका उत्तर रह जाए देना, क्योंकि हमेशा उसकी ओनरशिप ये स्वयं लेते थे, उससे भागते नहीं थे। और जब एक बार ये नई जिम्मेवारी में जाएंगे तो इस एक वैक्यूम के लिए हम इनको मिस करने वाले हैं कि कोई ना कोई पार्टी की हर चीज की ओनरशिप ले और उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले। अब इनके प्रवास करते रहना, हर विषय पे बोलते रहना, उस विषय की जानकारी नहीं है तो उसके एक्सपर्ट से चर्चा कर लेना, उनसे टॉकिंग पॉइंट्स बनवा लेना और फिर उसको डेवलप करना। और अगर आप देखेंगे कि संकलन में भाषण ये हमेशा कभी पढ़ते नहीं है, एक्सटेम्पोर है इनके, लेकिन अलग अलग विषयों पे सीखते रहना और उस पे देते रहना, ये इनकी एक खासियत रही है। और कम्युनिकेशन स्किल में अपनी तीनों भाषाओं का प्रयोग करना, रिदमिकल वर्ड्स, ऐसे शब्द ढूंढते रहना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिनकी फोनेटिक सिमिलैरिटी हो, सुनने में जो एक जैसे लगे, और उसका ये प्रयोग करते रहते हैं। मुझे लगता है कि एक प्रकार से इनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो ज्योग्राफिकली इन्होंने कहाँ कहाँ ये भाषण दिए और कितने विषयों पे दिए, कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मंत्री की जिम्मेवारी होते हुए भी कितना टूर कर सकता है। और वेंकैया जी कुछ दिनों में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाएंगे, हम लोगों से थोड़ा अलग होंगे, तो उनका ये पुराना स्टाइल कैसे इवॉल्व करके बदलता है, हम सब बड़ी नज़दीकी से उसको देखते रहेंगे। अब इस नई जिम्मेवारी में कई बार किसी दूसरे के लिखे हुए भाषण इनको पढ़ने पड़ेंगे, वो बहुत कठिन काम है इनके लिए।
और हाउस के अंदर दूसरों को बोलने देना और खुद चुप रहना, यह भी बहुत बड़ा चुनौती का काम है इनके लिए। तो और टूर पे जाना, कई बार आनंद कुमार जी और मैं, हमारा खूब मजाक चलता था वेंकैया जी के साथ कि जैसे ही अगर एक दिन या दो दिन के लिए शनिवार रविवार को पार्लियामेंट बंद है तो दो दिन में ये चार पांच स्थान पे हो आते थे, कार्यक्रम कराते थे, वहाँ मीडिया को एड्रेस कराते थे, कार्यकर्ताओं के घर हो आते थे, किसी की शादी अटेंड कराते थे, किसी के यहाँ कोई ट्रेजिडी हो गई तो घुमाते थे। अब बहुत संयम की जीवन जीना पड़ेगा। तो इसलिए एक नई पारी आपने शुरू की है वेंकैया जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और मुझे लगता है कि ये जो एक परिवर्तन लाएगा इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, हम इसको बहुत नज़दीकी से देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में एक नई जिम्मेवारी इस देश के हित में आप बहुत खूबी के साथ निभाएंगे और राज्यसभा भी एक रचनात्मक प्रकार का सदन देश की राजनीति के लिए बन पाएगा आपके नेतृत्व में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुशल संगठक माननीय अमित भाई शाह को निवेदन करता हूं, वो हम सबको संबोधन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वेंकैया जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी और सभी साथी मित्रों, सबसे पहले तो मैं एनडीए के सभी साथी दलों ने श्री वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा उसका आप सबने हृदय से समर्थन भी किया है और स्वागत की भी किया है, इसलिए मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सबने बहुत कुछ कहा है वेंकैया जी के लिए और हम सब वेंकैया जी को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। जो ए टर्म के सांसद होंगे वो भी तीन साल में अच्छे से जान गए होंगे, क्योंकि एक प्रकार से ऊर्जावान व्यक्तित्व है, हर चीज को अरुण जी ने कहा है ऐसे ओन करते हैं। मैं जब गुजरात की राजनीति से यहाँ पार्टी का महासचिव बनकर आया और बाद में पार्टी का अध्यक्ष बना, तब कई मौके ऐसे आए कि वेंकैया जी नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में है, पश्चिम में है, पूरब में है, जहाँ पर भी होंगे कोई भी घटना आई होगी तुरंत उनका फोन आएगा कि अमित भाई इसका रिएक्शन इस तरह से जाना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, उसमें ये करना चाहिए। शायद ही सरकार में बैठे हुए किसी मंत्री का इतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पार्टी को क्या करना चाहिए इसका मार्गदर्शन के साथ आया हो, ऐसा नहीं होता था। वेंकैया जी हर बार हर मसले पर पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए इसकी बड़ी विनम्रता से और भावुक तरीके से कितने भी दूर हो सलाह देते थे। आप लोगों को लगता है कि वेंकैया जी पार्लियामेंट में इस ओर से ऊपर सदन में ऊपर के स्थान पर बैठेंगे, कैबिनेट में अब नहीं है, ये सारी क्षति आपको महसूस हो रही है। मुझे भी एक क्षति महसूस हो रही है कि पार्टी की समस्याओं को ओन करने वाला एक पार्टी का सीनियर लीडर संवैधानिक पद पर जाने से पार्टी को भी एक बहुत बड़ी क्षति है। मित्रों, इतने हृदय से पार्टी की चिंता करने वाला व्यक्तित्व हम सब के लिए सीखने जैसा है। वेंकैया जी जब पार्टी के महासचिव थे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, पार्टी के कार्यकर्ता कर्मचारियों के साथ
मेरा भी पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष बनने के बाद संपर्क आया, संबंध आया। वेंकैया जी के काम करने के तरीकों को आज भी सब लोग याद करते हैं। पार्टी कार्यालय में रहना, अध्यक्ष बनने के बाद भी बड़े सवेरे पार्टी कार्यालय पर सुबह 7 बजे आ जाना, 9 बजे तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। मतलब कई बार तो परेशान होकर भी याद करते हैं सब, मगर याद करते हैं कि वेंकैया जी इतना जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और उन्होंने पार्टी के जब अध्यक्ष रहे तब भी जिला सेंटर पर जाना, पार्टी की मूल चीजों को याद करना। वेंकैया जी का एक शब्द प्रयोग था, बैक टू बेसिक्स, एक शब्द प्रयोग था। इसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। और एक छोटे से किसान परिवार में सुदूर दक्षिण में जन्म लेते हुए इतनी संघर्षपूर्ण यात्रा करके एक इतने ऊपर के संविधान पर पद पर बैठना, संवैधानिक पद पर बैठना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 2 टर्म विधानसभा के सदस्य रहे, 4 टर्म राज्यसभा में रहे, और पार्टी में शायद ही कोई ऐसा पद होगा कोषाध्यक्ष छोड़कर जो पद वेंकैया जी ने नहीं संभाला। हर पद पर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। आज वेंकैया जी ये फोरम में शायद अंतिम बार हम लोगों के बीच में हैं। कल से वेंकैया जी महामहिम हो जाएंगे, कल शाम को हम सब उनको बधाई देने के लिए जाएंगे। निश्चित रूप से वेंकैया जी का एक निखालस और बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व, इसकी क्षति हमें महसूस होगी, मगर हम सब हृदय से उनको शुभकामनाएं देते हैं कि कल से भारत के उपराष्ट्रपति पद पर एक किसान का बेटा और एक सच्चा कार्यकर्ता, कार्यकर्ता स्वभाव वाला व्यक्ति राजनीतिक दल का वहाँ पर बैठेगा और राज्यसभा को मार्गदर्शन करेगा। मित्रों, अभी इसके पहले के सेशन में वोटिंग कराया हमने। भूपेंद्र जी ने कहा कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटिंग होते हैं उसमें मतलब वोट कैंसिल होने की संख्या ज़्यादा होती है, और गांव में जब वोटिंग होती है तो वोट कैंसिल नहीं होते हैं। इतनी चेतावनी के बाद, प्रेजेंटेशन बताने के बाद भी लगभग 16 वोट अप टू मार्क नहीं है, 16, जिसमें से आज की बात कर रहा हूँ, 6 संपूर्णपणे निरस्त है, 5 ने दोबारा पर्चा लेना पड़ा है, और 5 अगर ऑपोजिशन अड़ जाए तो कैंसिल हो, इस प्रकार की माइनर गलती है मगर गलती है। हम सब ने इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था, शायद उस वक्त भाजप संसदीय दल की बैठक थी, कि इस बार विधानसभाओं के वोट नहीं है, सिर्फ सांसदों के वोट का इलेक्ट्रोल है, तो हमने बहुत सावधानी पूर्वक वोट करना चाहिए। किसी ने लिटी जो हमें खड़ी लाइन करनी थी तो नीचे छू गई है, किसी के खड़ी लाइन के साथ नीचे आड़ा लिटी कर दिया है, किसी ने ऊपर छू गई है, किसी ने ऊपर क्रॉस कर दिया है कि ये नहीं, मतलब ये गोपाल कृष्ण के नाम पर क्रॉस कर वेंकैया जी के नाम पर खड़ी लाइन करी है, 2 लोगों ने अपनी पैन से वोट दे दिए। अभी अभी 1 घंटा पहले की बात कर रहा हूँ, मैं नाम पढ़ना इसलिए नहीं चाहता कि एम्बरेसमेंट होता है, मगर सबको वहां तो बता ही दिया गया है कि आपने गलती करी। तो मेरा आप सबसे एक करबद्ध निवेदन है कि बहुत जिम्मेदारी पूर्वक, हम 15-20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, हमारे खुद का वोट कैंसिल होना ये बहुत चिंता का विषय है और हमारे लिए भी आत्मचिंतन का विषय है। तो सबने, फिर से एक बार मैं भूपेंद्र जी को निवेदन करने वाला हूँ कि आदरणीय मोदी जी का भाषण होने के पहले फिर से एक बार वोटिंग की पद्धति भी बताएंगे और किस किस प्रकार की गलतियाँ हुई है वो भी दोहराएंगे, जिससे कोई ये गलती दोहराए नहीं। और पेन को तो घर पे रख कर जाना ही उचित है, यहाँ बाहर से व्हिप ने आपको पेन दिया, वो पेन की जगह आपने अपने पेन से वोट कर दिया, ये वोट कैंसिल हो जाएगा आपका।
तो ये सारी सूचनाओं को हम ध्यान से सुने, समझे और कल वोटिंग के वक्त उसकी पालना करें। तो फिर से एक बार मैं भूपेंद्र जी को निवेदन करूंगा कि एक प्रेजेंटेशन को फिर से दिखाए हमें और हम सब लोग ध्यान से देखें। और भूपेंद्र जी ये भी एक्सप्लेन करें, जो 5-6 प्रकार की गलती है, मैंने बैलेट्स देखे हैं, किस प्रकार की गलती हुई है वो भी बताएं। तो एक्सीडेंटली जिसकी गलती आज हुई है वो ऐसी गलती वो कोई और कल ना कर दे। तो ये भी जरा भूपेंद्र जी बताए। मैं फिर से आप सभी की ओर से वेंकैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब प्रारंभ में मैंने सूचनाएं दी थी, जी प्रेजेंटेशन, बाहर चले गए जी, मैं बुला शिवनाथ कहाँ पर है, विक्रांत एक बार बुलाना। ये 16 हमारे संसद साथियों के गलतियाँ हमारी हुई हैं। एक तो आज ये समझ में नहीं आया कि अच्छे अच्छे लोग अंदर जाके पूछ रहे थे कि एक कैसे लगाना, जबकि हम राष्ट्रपति में लगा चुके थे। तो इतना एकदम आत्मविश्वास ख़त्म हो जाना, मतलब यही समझ में नहीं आया कि हम चूँकि एक बार राष्ट्रपति में वोट डाल चुके और अंदर जाके फिर पूछ रहे थे कि एक कैसे लगाना है। कल के मतदान के बाद जब आगे हम चलेंगे, जो हमारा मतदान पत्र का नमूना है, इसमें मैंने कहा था कि दो माननीय वेंकैया जी के आगे दो इसलिए लिखा है, पिछली बार भी जो गलतियाँ हुई थी मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि एक के ऊपर जाते ही हमने ऊपर मीरा कुमार का नाम था, एक लिखा, फिर बाहर आके एकदम पूछने लगे कि, पिछली बार की मैं बता रहा हूँ कि बाहर आके एकदम पूछने लगे कि ये एक लग गया, हमारा गलत चला गया। दो नंबर पे ही माननीय वेंकैया नायडू जी का नाम है, इसलिए दो नंबर जो नीचे जो सेकेंड जो कॉलम है उसमें साइड के कॉलम में हमें केवल खड़ी लकीर करनी है। खड़ी लकीर जो है, हाँ जी, लाइन, चलिए लाइन बोल देते हैं, लाइन जो है सिंपल करनी है। जो एक करने का जो तरीका है आज भी जो है, जो दिखाया है, जैसा ये सामने, इससे अगला एक मिनट, इससे अगला नेक्स्ट, ये केवल एक जो सामने दिखाया है यही करना है और इसके अलावा। लेकिन सच ये है कि इस एक को भी अगर 6-4-5 मित्रों के अगर इस एक को भी अगर आप देखेंगे तो नीचे टच हो रहे हैं, ऊपर टच हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, एक जाके नीचे ऐसे हो रहे हैं। मतलब ये एक सिंपल एक लाइन करना या सिंपल ये करना, इसको ही हमें अपने दिमाग में रखना है। और सेकंड नंबर के कॉलम में एक करना है। ये जो हमारे सांसद साथी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी सबको बताऊंगा, लेकिन कल हम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है, केवल एक लाइन को हमको खींचना है और जहां पर वेंकैया जी का नाम है, इसको ही मैं आपके सामने पुनः निवेदन करना चाहता हूं। तो कल उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में वोटिंग के ठीक एक दिन पहले एनडीए सांसदों की ये बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम वो सांसद, वो दल मौजूद हैं जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू को समर्थन कर रहे हैं। पीएम मोदी भी वहाँ पर मौजूद हैं और इसमें सांसदों को कैसे वोटिंग करनी है इसका डेमो दिया जा रहा है। और इससे पहले एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू के भाषणों और लेखों के संकलन की किताब टायरलेस वॉइस रिलेंटलेस जर्नी का विमोचन किया गया। पीएम मोदी ने इसका विमोचन किया और अभी ये कार्यक्रम जारी है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रस्तुतकर्ता हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर क्या है तैयारियां, आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही दिखाएंगे कि केरल में हो रही राजनीतिक हत्याओं का मामला आखिर क्यों लगातार गर्माता जा रहा है, जानेंगे इस बात को विस्तार से। जानेंगे साथ ही डोकलाम में जारी गतिरोध के बीच में चीन के मसले पर भारत ने आज फिर से क्या अपनी बात को दोहराया है। होगी बात भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न की भी। साथ ही जानेंगे जम्मू कश्मीर में कैसे हैं सुरक्षा हालात और बताएंगे बाढ़ में हो रहे सुधार की खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कहा ही नहीं जाता सत्य है, शायद जिन लोगों को नहीं मालूम है वो भी देख ले। जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है, किसी भी मिनिस्टर के घर के बाहर है, किसी भी नेता के घर के बाहर है, किसी भी अफसर के घर के बाहर है, किसी भी भवन के घर के बाहर है, तो उसमें बोरे रखे होते हैं, उनके पीछे सिपाही पुलिस वाला आर्मी वाला खड़ा होता है। उन बोरों के अंदर रेत और गोबर होता है। मुझे लगता है कि जिन्होंने कमेंट किया शायद उनका ये कॉमन सेंस भी खराब है बेचारों का, इसलिए थोड़ा दया आती है और तरस आता है। सबसे कल के मतदान के लिए निवेदन करें, आप सबके समर्थन से कल माननीय वेंकैया जी महामहिम उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, आज वो उम्मीदवार है, आपसे निवेदन कर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय आडवाणी जी, अध्यक्ष जी और मित्रों, एक उम्मीदवार के नाते मैं आप सब लोगों से विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया कल सुबह समय पे मतदान केंद्र में आइए और मेरे नाम के सामने सीधा डंडा लगाना, डंडा याद रखिए और उतना मार्क लगाना। और जो सुषमा जी बता रहे अभी जो दिखाया ना, थोड़ा ज़्यादा समझाने के लिए उन्होंने भूपेंद्र जी ने एक्स्ट्रा कॉशन दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसा लाइन डालने से। ये आप सब लोगों से मेरा प्रार्थना है, हमारे पास बहुमत है, संख्या ज़्यादा है, ऐसा सोच के अरे भाई मेरा एक वोट खराब हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब लोग मतदान में आए, आपका अगल बगल में जो बैठते हैं बहन और भाई, वो लोग आया नहीं आया थोड़ा चेक करके उन लोगों को बुलाने का काम भी सब लोग ले, भाजपा वाले और हमारा राष्ट्रीय गठबंधन का अन्य दल से भी मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया सब लोग कल मतदान में आइए और मेरा नाम के सामने मार्क करके विजय प्राप्त करने के लिए पूरा आप लोग सहयोग दीजिए। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to please come on time and then take part in the voting and then put the required mark 1 in front of my name in the allotted box. Don't do anything else, no need to sign also, or no need to cancel the other man also into Ogera, just simple one line for our candidature. This is my request to all of you. Friends, meeting you, this is the last time in a meeting. Of course, people who are in the other house, they'll be seeing me in a different responsibility. But there won't be any scope for this sort of interaction and all. And this meeting will be my last meeting as far as the members of parliament of the BJP or the NDA, even our others are concerned. So naturally, it makes me emotional. Because right from the day when I joined politics or when I joined youth movement, I have been active at every level, whether it is RSS, whether it is ABVP, whether it is Yuva Morcha, whether it is BJP at the state level, at the national level. And I always used to treat a party as my mother, because as someone said, I lost my mother at a very young age. So
तो मैं हमेशा महसूस करते थे पार्टी हमारा माँ है, और वो पार्टी आज देश में सत्तारूढ़ पार्टी बन गया। एक ज़माने में लोग मजाक उड़ाते थे तो उत्तर भारतीय पार्टी है, शहरी इलाका का पार्टी है, कुछ लोग ये भी मजाक उड़ाते थे सहकारी पार्टी है, वो सब समाप्त होकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में सचमुच में ऑल इंडिया पार्टी बन गया। दुनिया में हमारा प्रधानमंत्री जी और हमारा अमित भाई का नेतृत्व में दुनिया में नंबर वन पार्टी, करोड़ का 11 करोड़ का सदस्यों का पार्टी बन गया। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड नॉट ओनली दैट, बीजेपी गॉट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन, एंड एनडीए पार्टीज एंड बीजेपी टुगेदर कंफर्टेबल मेजॉरिटी। एंड नॉट ओनली दैट, अदर पार्टीज आर ऑल्सो विलिंग टू सपोर्ट दिस गवर्नमेंट बिकॉज दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाई द वर्क द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स, वॉट एवर वर्क दैट हैज बीन असाइंड टू मी, आई यूज टू टेक इट टू माई हार्ट वेरी सीरियसली, वेरी सिंसियरली। I have some weaknesses or likings or strength. One of my weaknesses is I have a love for the village, for the rural people. When Sri Atal Bihari Vajpayee ji told me that I should join the government because I was earlier party general secretary, so they suggested me some different portfolios. Advani ji also is here. I requested him, sir, I am not interested in these portfolios. Thoda hard laga unko. Pradhanmantri kah rahe ye portfolio aur mantri kah rahe ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो उन्होंने एक बार दो बार हो गए तो अंत में कहा भाई क्या चाहिए बताओ। तो मैंने कहा सर मुझे दो पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा इच्छा है। उन्होंने कहा नंबर वन, मैंने कहा कृषि, तो उन्होंने कहा कृषि, तो सेक्रेटरी से पूछा कहा कृषि नीतीश कुमार जी के पास है, देना संभव नहीं, वो हमारा मित्र दल है। तो सेकेंड मैंने कहा सर ग्रामीण विकास। अटल जी ने मेरे से पूछा सोच के बता रहे ना ग्रामीण विकास, मैंने कहा सोच के ही बता रहा हूँ सर। कारण क्या है, उस समय उसके पहले लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते थे ग्रामीण विकास, मगर मैंने दिल से वो काम लिया और जितना संभव है तो काम किया है। और इसमें अभी बता रहे थे ना अरुण जी, अब और प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुझे याद आ रहा है जब वो विषय कैबिनेट में गया वो वित्त मंत्री ने और बाकी लोगों ने कहा तो भाई तो कैसा संभव है, नेशनल हाईवे टोल गेट होंगे, पैसा वापस आएगा, और ग्रामीण सड़क योजना में पैसा कौन देंगे, टोल गेट कहाँ लगाएंगे, तो प्रैक्टिकल संभव है नहीं। तो फर्स्ट मीटिंग में तो स्वीकृति नहीं मिला, ना ऑफिसर्स ने सपोर्ट किया, ना मंत्री में से कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने कहा भाई ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो अगला बार जो विषय आया तो मैं बहुत भावुक हो गया, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन में 3 किलोमीटर पैदल से स्कूल में जाया हूँ, तो मुझे नेशनल हाईवे के बारे में बात कर रहे हैं, तो गांव के बारे में चिंता नहीं लोगों को। तो मैंने एक्सप्लेन, उन्होंने कब अटल जी ने कहा बताओ मैं सबको ऐसा, मैंने कहा सर ये बहुत ज़रूरी है, सड़क नहीं तो विकास नहीं होगा, सड़क नहीं तो गाँव में कोई आएगा नहीं। उन्होंने कहा और विस्तार से बताओ, मैंने कहा सड़क नहीं तो गांव में कोई आएगा नहीं, वीडीओ बीडीओ डीडीओ एडीओ कलेक्टर डॉक्टर एक्टर ट्रैक्टर कुछ नहीं आएगा, तो फाइनली कुछ नहीं आएगा। तो फिर अंत में वो सड़क योजना का स्वीकृति कैबिनेट ने दे दिया है। दैट आई फील इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट इन माई लाइफ इन द सर्विस ऑफ द रूरल पीपल। द सेकेंड वन इज दैट when I was made president and Advani ji and Atal ji called me and told me that you have to become president, I was really feeling nervous because at young age the president of a party, ruling party, wo to koi mazak ka vishay nahi hai, wo to party itna bada party aur aisa bada neta log hai unke samne party ka adhyaksh ka daitva sambhalna koi mamooli vishay nahi hai bhai, to thoda dar gaya sach mein. Maine bataya bhai Advani ji ko, bhai ye Advani ji main ye kaam kar paunga kya, mujhe vishwas nahi aa raha. उन्होंने कहा अरे हम लोग है, तो मुझे कारण क्या है, मैं बचपन में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी आडवाणी जी और जगन्नाथ राव जी इन महानुभावों का मीटिंग के बारे में मैंने रिक्शा में मेरा गांव में मैं एक अनाउंसमेंट किया, आज शाम को कोपटी मैदान में आम सभा होने वाले हैं, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी आने वाले, तरुण हृदय सम्राट उस समय उनको कहते थे हम लोग, तरुण हृदय सम्राट अटल जी को आने वाले, आप कृपया आइए इसको सफल बनाइए। ऐसी मैं एक अनाउंसमेंट करने वाले वेंकैया नायडू, दीवार के ऊपर लिखने वाले वेंकैया नायडू, और टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल पोल छिड़के वहाँ झंडा फड़ने वाले वेंकैया नायडू, उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाने में सत्तारूढ़ पार्टी का अखिल भारत अध्यक्ष होके वही अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी के बीच में बैठ के पार्टी को चला पाएंगे, मैंने कभी कल्पना भी किया नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पार्टी सिस्टम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, दैट इट मेड ए ऑर्डिनरी पर्सन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. That was another great moment of my life.
Then again the third one is when Narendra Bhai has become the Prime Minister. I was made Minister for Urban Development. I was wondering, ये क्या है? मैं तो गांव का आदमी हूँ, ये तो शहरी विकास मुझे दे रहे हैं और बाकी के साथ और उसके साथ और भी जोड़ा है, पार्लियामेंट अफेयर से तो ठीक है. तो अरुण जी से मैंने बात किया, भाई क्या है शहरी अर्बन डेवलपमेंट? उन्होंने कहा वेंकैया जी ये तो वकील है ना, दोनों तरह का आर्ग्यूमेंट अच्छा कर सकते हो. तो उन्होंने मुझे कहा वेंकैया जी ये तो क्या है, शहर में कौन है, गाँव से आए हुए वही लोग हैं. उन्हीं लोगों का भला करने के लिए प्रधानमंत्री ने आपका चेयर किया, उनका विकास के लिए, और ये है वो है वो है ऐसा सब. मैंने कहा ठीक है. तो सचमुच में जो शहरी इलाके में आज का जो स्थिति है ना 31%, तो 31% लोग हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे 50% तक पहुंचने वाले हैं. इररिवर्सिबल है ये, अर्बनाइजेशन इज इररिवर्सिबल, माइग्रेशन इज इररिवर्सिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हेल्थ. पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज. सो उनका देखभाल, तो देन अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दिस स्मार्ट सिटी, देन दिस अमृत, देन दिस हाउसिंग फॉर ऑल, देन स्वच्छ भारत, देन ऑल दीज स्कीम्स टेकन अप. आई एम हैप्पी टुडे इन अर्बन इंडिया ऑल्सो देर इज अ न्यू अर्बन रेनेसांस. दैट वॉज अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड पर्टिकुलरली द प्राइम मिनिस्टर. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाई सेइंग दिस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. आई एम नॉट ए बीजेपी मैन नाउ, आई डो नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी ऑल्सो. I can't speak politics from tomorrow. Tomorrow means, of course, I have time up to tomorrow evening. And then 11th, once I am going to take oath, I can't speak politics. That's against my nature. Whatever it occurs to my mind, if somebody is doing something wrong, I must say it. That's my mentality. And if somebody is making a charge against the government or the party, I can't tolerate it. Even before members rise, I used to raise in the house and defend the government and the party. That's there in my blood, that's my mentality. That's my strength and that's my weakness, whatever you call. So, but in that, what I am trying to say is that today, after 69 years of independence or 70 years of independence, India's full potentiality is really not yet properly utilized. Kisi ne kuch, baaki logon ne kuch kiya na, aisa nahi kaha raha, bahut kuch kiya hai. Aur Shriman Atal Bihari Vajpayee ji ne krantikari parivartan laya, unhone connectivity revolution laya desh mein, sachmuch mein, pehli baar. Air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, teleconnectivity, television connectivity, port connectivity, political connectivity लाया उन्होंने, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया. मगर पार्टी या सरकार कुछ सीमा तक पहुंच पाया, कुछ सीमा तक. इतना योगदान दिया महानुभावों ने सब ने, आडवाणी जी, अटल जी, जोशी जी, जगन्नाथ राव जी, भंडारी जी, कुशभाव ठाकरे जी और बहुत महानुभावों ने बहुत प्रसम किया, मगर एक सीमा तक पहुँच पाया. मेरा जो मत है मैं बता रहा हूँ, ये आज का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जमाना में पार्टी वो सीमा पार करके देश में घर घर में पहुँच गए. इसलिए मैं हमेशा बताते थे, कल तक, अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं को बताते, भाई मोदी जी हैज़ रीच्ड एवरी हाउस, नाउ यू हैव टू रीच, दैट इज द टास्क बिफोर अस. ही हैज़ रीच्ड एवरी हाउस इंक्लूडिंग थैच्ड हाउसेस, homeless people, everybody now talks about Modi. So now you have to reach them. So this is the great contribution he has made to the political movement of the country and also to Bharatiya Janata Party and also to NDA. Secondly, he is unleashing the forces of growth. This is what I want to impress upon you and then stress with you. Please remember this. We must not only stand by the Prime Minister, not for his sake. Is there any Prime Minister only? For our sake, for the sake of the country, for the sake of the cause which you all taken, take this message of the leadership to the people because already there is receptivity. मुझे याद है बचपन में हम बहुत इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे और कुछ बहुत अनाउंस करते थे, फिर अंत में लोगों में जितना रेस्पॉन्स आना उतना नहीं आता, जो सामने खड़े हैं वही लोग तालियां बजाते थे. आज लोग, गरीब लोग, आम लोग, दलित, पिछड़ा, महिला, बूढ़ा, बच्चे, सब लोग पॉजिटिव है, सुनने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री के बारे में, सरकार के बारे में. इसलिए एक अच्छा मौका है, देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जो प्रयास कर रहे, गरीबी को दूर करना, पॉवर्टी एलिमिनेशन बिगेस्ट चैलेंज, दूसरा निरक्षराश्यता, इलिटरेसी को समाप्त करना, वो भी एक बड़ा चुनौती है, तीसरा ये रीजनल डिस्पैरिटीज़,
कुछ इलाका बहुत आगे है, कुछ इलाका बहुत पीछे है. चौथा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पांचवा करप्शन, देन सिक्स्थ वन इज ब्लैक मनी, देन ऑल दिस मेनी इश्यूज आर लाइक द टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ऑल. ही इज द आंसर टू मेनी ऑफ देम एंड ही हैज द आंसर्स ऑल्सो एंड ही इज वर्किंग डे एंड नाइट. तो इसलिए आई एम वेरी मच वरीड व्हेन आई वाज टोल्ड दैट आई हैव टू बी द कैंडिडेट. आई हैव नो प्रॉब्लम लीविंग मिनिस्ट्री, इज नॉट न्यू टू मी. I was minister, asked to resign, resigned and became party president at that time also. Now also resigned from the minister and then is now is becoming uparashtrapati and vice president. Ek vyakti ko do pati banna koi mamuli vishay nahi hai. To ushapati bhi hai aur uparashtrapati bhi hai. Aur hamare sath kar rahe the sabhapati bhi. Maine kaha wahan ruk jaiye, aage mat badhiye. Sabhapati sabka pati aisa nahi hona chahiye. So, Mitra, but the point which I was trying to impress upon is please take it seriously, take it to your heart and try to spend as much time as possible in reaching out the masses. Why? Because your opponents, the opponents of development and the people who are worried about corruption, they are now starting a major disinformation campaign. So, from our side, my suggestion is please pass on the information, because information with confirmation is more than an ammunition. This is my understanding of the information system. Please strengthen the hands of the Prime Minister, strengthen the hands of the countrymen. This is my request with all of you. And I am very happy that the party and the NDA has chosen me to be the candidate. I am very much obliged. I am very humbled by your love and affection, the kind words that have been said by various people. And I will be trying my best to perform the responsibilities that are assigned to me. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Please give him a standing ovation. Khade ho karke ek bar. Venkaya ji. Dhanyawad ji. Kripya baithiye. Abhi हम सबके तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई जी से मैं निवेदन करता हूं वो हम सबको संबोधित करें और मार्गदर्शन भी करें. सभी आदरणीय महानुभाव साथियों, वेंकैया जी को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं. काफ़ी कुछ कहा गया है वेंकैया जी के लिए, इसलिए मैं कुछ नया जोड़ना नहीं चाहता हूं. और जो हमारे इस चुनाव में हमारी मदद कर रहे हैं, ऐसे सभी साथी दल के लोग भी आ गए हैं भोजन का कार्यक्रम के लिए, तो उनको भी ज़्यादा इंतज़ार कराना अच्छा नहीं लग रहा है. तो हमें इसको जल्दी पूरा करके निकल जाना चाहिए वहाँ सबके साथ. मैं इस कालखंड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं. 2017 से 2022 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये नया कालखंड है, लेकिन राष्ट्र जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड है और मैं भली भांति इसको देख पाता हूं. 42 to 47 देश में एक बड़ा चमत्कारिक बदलाव आया था जिसने आजादी दिलाई थी. मैं 17 to 22 उस रूप में देखता हूं और एक ऐसे समय में एक समान विचारों से पले बढ़े, समान संस्कारों से पले बढ़े राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट के स्पीकर हो या हम सब लोग जो हैं जिनको दायित्व तो मिला है, हम एक ही कुनबे के एक ही परंपरा से पले बड़े लोग हैं. ऐसा अवसर आजादी के बाद शायद पहली बार आया है. कांग्रेस पार्टी हमेशा एक मिलीजुली व्यवस्था ही चली है, मिली है. हर कुनबे के लोगों का एक अमरेला के रूप में उसका काम रहा है.
हम लोगों का रूप अलग है और इसलिए संभावना बहुत है कि हम बहुत कुछ देश को दे पाएंगे इस नेक्स्ट 5 ईयर में। हमारे देश के संसद में की गतिविधियों की बड़ी आलोचना हो रही है। वेंकैया जी के सामने कई सारे सुझाव होंगे, विचार होंगे, लेकिन हम लोगों का एक दायित्व तो बनता है जब 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत से हम आए हैं तब हम सब मिलकर के संसद की गरिमा को कैसे ऊपर उठाएं, ये बहुत देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। संसद की सुप्रीमसी इतना नहीं, वो तो कानूनन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन उसकी गरिमा कैसे ऊपर उठे। और उसमें भी अपर हाउस, सच्चे अर्थ में संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई है, अपर हाउस की जो कल्पना हुई है, लेटर एंड स्पिरिट में वो अपर हाउस कैसा हो हमारे देश का, वहां की चर्चा का स्तर क्या हो, वहां के लोगों का व्यवहार क्या हो, 125 करोड़ देशवासियों को ये अपर हाउस किस प्रकार से गाइड करे। संकट के समय देश को निकालने के लिए सबसे पहले राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके देश का मार्गदर्शन करने का काम करने की कोई एक उत्तम जगह है तो हमारा अपर हाउस है। ये गरिमा फिर से पुनः प्रस्थापित कैसे हो, ये हम सबके सामने जिम्मेवारी भी है, चुनौती भी है। हमारा सद्भाग्य है कि वेंकैया जी जैसा नेतृत्व हमें वहां मिलने वाला है, और अगर हम सचमुच में मीटिंग ऑफ द माइंड के साथ, क्लियर विजन के साथ, कमिटमेंट के साथ इस काम को करना है ये तय कर लें, आप देश को कितना बड़ा एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिससे कभी कभी राजनीति के प्रति, राजनेताओं के प्रति एक निराशा का जो दौर पड़ता है कभी कभी देश में, जो देश का बहुत नुकसान करता है, उसमें से देश को बाहर निकालने की एक जगह है ये। और इसलिए मैं एजेंडा सेट नहीं कर रहा हूं कि वेंकैया जी को क्या करना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दायित्व तो बहुत बड़ा है। लेकिन यह सफलता तब संभव होती है कि जिस प्रकार से हम कल बैलेट पेपर में एक खड़ी लाइन करेंगे, हम उसी मिजाज से उनके साथ 5 साल खड़े रहेंगे तो यह संभव होगा। यानी कल होने वाली लकीर वो सिर्फ कागजी लकीर नहीं है, कल होने वाली लकीर हमारे भीतर का एक संकल्प होगा कि हम वेंकैया के साथ ऐसे ही डट करके खड़े रहेंगे जैसे कि कल मतपत्र के अंदर लकीर करेंगे। ये अगर भाव लेकर के हम इस चुनाव में देश के एक बहुत बड़े दायित्व के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम न भूलें। हम सिर्फ ये न सोचे, कभी कभी क्या होता है, ये ज्यादातर आपने देखा होगा कि एक बेटी जब बहू बनती है 24 घंटे पहले उसका बोलना, चलना, बैठना, उठना एक बेटी की तरह अलग होता है, लेकिन 24 घंटे के बाद जैसे ही वो बहू बन जाती है, ससुराल जाती है, उसके पूरे व्यवहार में पता नहीं कुदरत उसको क्या ताकत देती है, एकदम से बड़ा बदलाव महसूस होता है, एक नई जिम्मेवारी के साथ। हम लोग कभी संगठन में काम किए होंगे, आंदोलन किए होंगे, नारेबाजी की होगी, पुतले जलाए होंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि अब वो नहीं रहा, कुछ और हो गए हैं। एक बेटी बहू बनने से जो बदलाव भीतर फील करती है, हम भी एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे भीतर ये चीजें इवॉल्व होनी चाहिए। हम दल के होंगे, इलाके के होंगे, लेकिन हम देश के भी हैं।
ये भाव निरंतर आवश्यक होता है लोकतंत्र में। और मैं तो देख रहा हूँ कि वेंकैया जी में इतना जल्दी बदलाव आया कि मुझे बीच में कहना पड़ा कि भाई आप जैसे वेंकैया थे वैसे तो अब दिखो, ऐसे चलना शुरू कर दिए थे। लेकिन वो हफ्ते दस दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा का दायित्व है, ये हमारे बीच के रहे हैं, पहले हम लोगों उनके साथ बात करने का जो तरीका रहा होगा, जो भी रहा होगा, लेकिन अब जो उनका पद आने वाला है उस पद की गरिमा को बरकरार रखना ये हम लोगों का ज़्यादा दायित्व बनता है। हम उस मिजाज में न रहे कि अरे वेंकैया तो अपना है, पहले तो यार मैं उसके साथ टेबल पे खाना खा लेता था, चाय पी लेता था। जी नहीं, वो हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद के गरिमा पर बैठे हैं। हमारा वो आज वो कल तक वो मेरे साथ, मैं प्रधानमंत्री था, वो मेरे साथ में एक मंत्री थे, किसी समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं मंत्री हुआ करता था। तो ये बदलाव होने के बाद भी हम लोगों को उस पद गरिमा को रिस्पेक्ट बनाए रखना, ये हम लोगों को सीखना पड़ता है जी, वरना कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूँगा कि हम इन चीज़ों को करेंगे और वेंकैया जी की सफलता ही हम सबकी सफलता है। देश की संसदीय व्यवस्था की गरिमा बढ़ाना समय की मांग है जी, बहुत बड़ी निराशा हो जाएगी देश को। सरकार सिर्फ अच्छे काम करे इतने से इनफ नहीं है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय गरिमा, संसदीय आचरण, ये चीज़ों का बहुत महत्व है और इसमें वेंकैया जी की भूमिका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, मुझे विश्वास है। हम इसको लेकर के आगे बढ़े, आपको सबको बहुत शुभकामनाएं, वेंकैया जी को बहुत शुभकामनाएं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के मुखिया के नाते व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से भी आप भी मन से यही रखिए कि आप उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको मन में लाना पड़ेगा। और उसी तरह हमें गाइड कीजिए, हम लोगों को संभालिए भी और चलाइए भी। धन्यवाद।